कभी त्रिगुणात्मक त्रिकोण हूँ, कभी चतुष्धर्मा चतुष्कोण हूँ, तो कभी अनंतता के चक्र में विद्यमान पृथ्वी जैसा गोलाकार हूँ, मैं ओंकार हूँ। देवगणों की जय जयकार के मध्य देवराज इंद्र और शची पुनः स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान हुए। हर्षोल्लास के इस शुभ अवसर पर शची ने इस सत्य को स्वीकार किया कि इस सफलता में देवी पार्वती का योगदान है। गुरु बृहस्पति ने कहा कि इस सफलता में ब्रह्मा जी के योगदान को भी स्वीकार करना चाहिए। उधर पार्वती के उग्र तप से विचलित नारद ब्रह्मलोक पहुंच ब्रह्मा जी से अपनी चिंता व्यक्त करते हैं। इस पर ब्रह्मा जी व सरस्वती जी स्थिति स्पष्ट कर उन्हें शांत करते हैं। अरुंधति, वशिष्ठ व सप्त ऋषि असफल होकर भगवान शिव को सूचित करते हैं कि उनकी निंदा से भी लक्ष्य पूर्ण नहीं। इधर पुत्री के वियोग में मैना दुखी है। शिवाज्ञा से अरुंधति सप्त ऋषियों के साथ शिव विवाह का संदेश ले हिमालय भवन आती है, किंतु मैना इस संदेश से प्रसन्न नहीं है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पधारे हिमालय राज, पधारे महारानी। नंदी महाराज, भगवान शंकर तो समाधि में बैठे होंगे। इसमें आश्चर्य क्या है हिमालय राज? आश्चर्य तो तब होता है जब भोलेनाथ समाधि में नहीं होते। आश्चर्य की ऐसी स्थिति कब आएगी नंदी महाराज? ऐसी स्थिति आने का ज्ञान किसी को भी नहीं होगा। कुछ तो संभावना होगी। नहीं नहीं, भोलेनाथ की समाधि कब टूटेगी इस विषय में कोई भी कुछ नहीं कह सकता। आप स्वयं प्रयत्न करके देखिए। शिव शंकर, मेरी पुत्री को सुबुद्धि दे, उसका मार्गदर्शन करें भोलेनाथ, उसे समझाएं, उसकी समाधि का अंत करें देवेश्वर। महारानी मैना शिव जी से पुत्री पार्वती को मार्गदर्शन देने और उसकी समाधि का अंत करने की प्रार्थना तो कर गई, परंतु समाधिस्थ शिव जी ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उन्हें यह भली भांति ज्ञात था कि पार्वती अपनी तपस्या कदापि नहीं छोड़ेगी। पार्वती की तपस्या से समस्त दानव जाति अत्यंत भयभीत थी, क्योंकि पार्वती की तपस्या की सफलता तारकासुर के साथ साथ उनके विनाश का भी कारण बनेगी। तारकासुर का भयभीत सेनापति इस प्रसंग को लेकर शोणितपुर उसके समक्ष पहुंचता है। मानवराज महाबली तारकासुर की जय। कैसे होगी जय? ब्रह्मा ने हमें स्वर्ग से निकलने का आदेश दिया, तप्ती ज्वालाओं से डरकर हमने स्वर्ग छोड़ दिया। अब जब तक पुनः हम स्वर्ग प्राप्त कर तीनों लोकों पर विजय प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक इस घोरी और व्यर्थ की जय से क्या लाभ? स्वर्ग का सपना तो अब समाप्त हो गया दानव राज। क्यों हमारी निराशा को बढ़ा रहे हो सेनापति? जो देखा और जो सुना है वही कह रहा हूँ स्वामी। हिमालय पुत्री पार्वती की तपस्या इतनी उग्र हो चुकी है कि भोलेनाथ शिव उनसे प्रसन्न होकर उनसे विवाह की स्वीकृति कभी भी दे सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा।
मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। यदि शिव पार्वती विवाह हुआ तो मेरा काल शिव पुत्र उत्पन्न हो सकता है। मैं शिव पार्वती मिलन नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। तुम जाओ, पार्वती को तपस्थली से उठाकर उसे समाप्त कर दो। क्या हुआ सेनापति, तुम्हारे चेहरे पर ये भय कैसा? प्राण क्यों सूख गए तुम्हारे? सुना है पार्वती शक्ति का अवतार है। सुना है, सुना है सेनापति, तुम केवल सुनते ही रहते हो, देखते कुछ नहीं हो। देखने वालों के मुख से ही सुना है कि यदि हमने पार्वती के साथ अप्रिय व्यवहार किया तो हमारी संपूर्ण जाति का विनाश हो जाएगा। ये भी तुमने सुना है, देखा नहीं? सेनापति, मूर्खता की सीमा से बाहर निकलकर आंखें खोल कर देखो कि जो पार्वती शिव को प्रसन्न नहीं कर पाई उसे पाने के लिए तपस्या किए जा रही है। उसमें भला इतनी शक्ति और बल कहां कि वो हम असुरों को समाप्त कर सके। तुम अपनी सेना के शक्तिशाली और भयानक असुरों को लेकर जाओ और उसे समाप्त कर दो। जाओ। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा महाबली, किंतु आप एक बार पुनर्विचार कर लें। यह सत्य है कि पार्वती शक्ति का अवतार है। उनके तप के बल और ज्वाला के कारण ही स्वर्ग से हमें यहाँ भाग के आना पड़ा था। यदि फिर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया तो यहाँ से भागकर हम कहाँ जाएंगे? उनके प्रति किया गया अब कर्म हमारे लिए अनर्थकारी सिद्ध हो सकता है। सेनापति, तुम कायर हो गए हो, तुम्हारी भुजाओं में अब वो शक्ति नहीं रही। जाओ, नपुंसकों के दल में चले जाओ। ऐसे कटु शब्द कह के मेरा अपमान ना कीजिए महाबली। कायर और नपुंसक कहने से तो अच्छा है मैं पार्वती के क्रोध का भाजन बन के समाप्त हो जाऊं। उचित विचार तो यही है, किंतु ऐसा होगा नहीं। तुम अपने पराक्रमी सैनिकों को लेकर जाओ और समाप्त कर दो पार्वती को। न रहेगी पार्वती और न उत्पन्न होगा शिव पुत्र। शुभ समाचार सुरताल में सुना रहा है। त्रिलोक विजय अब आवश्यक हो गई है। त्रिलोक विजय की यह यात्रा हम स्वर्ग लोक से शुरू करेंगे। पहले स्वर्ग लोक, फिर अन्य लोक। शिव पार्वती के विवाह की संभावनाएं
इसी विजय यात्रा में समाप्त हो जाएंगी। फिर कौन बचेगा हमारा विरोधी? कौन बचेगा? कोई नहीं बचेगा हमारा भी। स्वर्ग पर पुनः अधिकार प्राप्त करने के पश्चात असुरों के शत्रु देवराज इंद्र अपना मूल उद्देश्य भूलकर सदा की भांति नृत्य और संगीत में मग्न हो गए। छन 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 पायल छन के खन 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 कंगना खन के छन 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 पायल छन के खन 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 कंगना खन के पायल छन आकर लौटे जा रहे हैं। देवऋषि 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 अभी अभी आए और अभी चल दिए। इंद्र सभा में आपका स्वागत है, आइए पधारिए। देवराज इंद्र को बधाई देने आया था, परंतु देवराज इंद्र स्वयं नृत्य और गान के विलास में डूबे हुए हैं। नारायण नारायण, आइए। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रणाम देवऋषि। देवराज, विलास और शक्ति की शत्रुता है, दोनों का निर्वाह एक ही स्थान पर संभव नहीं होता। देवऋषि देवर्षि, कहीं आपका तात्पर्य ये तो नहीं है कि यदि आप इस नृत्य का आनंद लेंगे तो इस विलास के कारण आपकी शक्ति क्षीण हो जाएगी और आप आशीर्वाद देने योग्य नहीं रहेंगे? प्रत्येक प्राणी पर चरितार्थ होने वाला सत्य यही है देवराज, कि विलास से शक्ति क्षीण हो जाती है, और जिसकी शक्ति क्षीण हो जाती है वो आशीर्वाद तो क्या, स्वयं के लिए मंगल कामना करने के भी योग्य नहीं रहता। नारायण नारायण, अद्भुत सत्य है, जग व्यापक सत्य है, ये शाश्वत सत्य है। ये देवराज, इस सत्य का प्रयोग स्वयं पर कर देखें। वो कैसे देवर्षि? अतीत के छोर से भविष्य के छोर तक विचार गमन द्वारा। देवराज, अतीत में विलास प्रियता के कारण आपकी शक्ति क्षीण हुई तो असुरों ने आप पर आक्रमण कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। उस स्थिति में आप वन वन भटकते रहे, कभी परमपिता ब्रह्मा तो कभी श्री हरि विष्णु तो कभी भोलेनाथ के सम्मुख जाकर आर्तनाद करते रहे कि आपको तारकासुर से रक्षण प्राप्त हो। देवी पार्वती की कृपा और शक्ति से परमपिता ब्रह्मा जी ने तारकासुर को स्वर्ग से भगा तो दिया, परंतु वर्तमान में आप ये सत्य भूल रहे हैं कि तारकासुर मरा नहीं जीवित है। आपकी विलास प्रियता उसे अधिक जीवित और अधिक बलवान बनाएगी और तब वो पुनः स्वर्ग पर आक्रमण करेगा, आपको पराजित कर विजय प्राप्त करेगा और भविष्य में पुनः स्वर्ग का अधिपति बन बैठेगा। नहीं देवर्षि, नहीं, आप तो हमारे हितैषी हैं, फिर ऐसी अशुभ कामना क्यों कर रहे हैं? ये अशुभ कामना नहीं है देवराज, मैंने आपकी सावधानी के लिए सत्य को साकार करने का मात्र प्रयास किया है। ये आप भी करें तो आपको लाभ होगा। नारायण नारायण। मैं कैसे करूं? दूरदर्शिता का आंचल पकड़ लेंगे तो कर सकेंगे। चलो आरंभ मैं किए देता हूं,
आगे की दौड़ आप स्वयं लगा लेना। नारायण नारायण। सर्वप्रथम आप ये स्वीकार कर लें कि आप पुनः स्वर्ग के अधिपति बन गए हैं। हम ही क्या, सारा जग जानता है। नारायण नारायण। देवराज, सारा जगत ये भी जानता है कि तारकासुर जीवित है और स्वर्ग का स्वामी बनने की महत्वाकांक्षा उसे स्वर्ग की दिशा दिखाएगी। देवराज, आप और मैं ये भी जानते हैं कि तारकासुर का वध करने वाला अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ और तब तक असुरराज तारकासुर किसी भी समय। नहीं देवर्षि, नहीं, अब बस करें। बस तो देवराज इंद्र को करना है। देवी सची, ये भली भांति जानते हैं कि तारकासुर का वध केवल शिवपुत्र ही कर सकता है। अब हम और कष्ट नहीं सहन कर सकते देवर्षि। स्वर्ग से बाहर हमने बहुत यातनाएं सही हैं, इसीलिए अब तो तारकासुर का वध अवश्य होगा। देवराज इंद्र से पहले पूछ तो ले कि कब और कैसे होगा। नारायण नारायण। होगा तो शिवपुत्र के द्वारा ही, किंतु शिव पार्वती विवाह होगा तभी शिवपुत्र की उत्पत्ति होगी। शिव पार्वती विवाह कब होगा अग्निदेव? जब भगवान शिव विवाह की स्वीकृति दे देंगे। मूल प्रश्न अभी भी अनुत्तरित है वरुण देव। भगवान शिव विवाह की स्वीकृति कब देंगे? देवर्षि, अब आप ही हमारा मार्गदर्शन करें, हमें बताएं कि हमें क्या करना है। देवराज, आपको दूरदर्शी और शक्तिशाली बनना चाहिए, विलासता को त्याग कर पुरुषार्थी बनना चाहिए और भगवान शिव के पास जाकर आप ये विनती करें कि वे पार्वती का तप सफल करें और विवाह की स्वीकृति दें। देवर्षि, हम इसी समय आपके नेतृत्व में भगवान शिव के पास चलते हैं। अवश्य चले। हर 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 महादेव। हर 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 महादेव। हर 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 महादेव।